बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राहील अहमद और आप मुझे देख रहे हैं online.99 पर। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर दो लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो हमारे इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 1 को देख के वो ये बात क्लियर कर सकता है। और फिर उसके साथ हमने पहली जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको उसी लेक्चर में हमने क्लियर किया था, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हमने दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट वाज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उस पर बात की थी, ठीक है। और अब हमारा जो तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का, उसमें हम तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे दैट इज नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ये तीसरी और इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। और जो हम चेंज बता रहे हैं, डिप्रेशन बता रहे हैं, एलिवेशन बता रहे हैं या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता रहे हैं, हम किसके कंपैरिजन बता रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में। जब वो सॉल्वेंट प्योर था तब उसकी प्रॉपर्टीज, और जब उसका सॉल्यूशन बना दिया है तब उसकी प्रॉपर्टीज, ये हम इस तरह से ले रहे हैं। तो इस बात को आपने जहन में रख के आगे चलना है, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब डिप्रेशन का मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट का जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, मतलब ये कि उसमें आप जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आना, अब कैसे, हैज कंपेयर टू इट्स प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में जो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज आएगी, दैट डिक्रीज इज बेसिकली नोन हैज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम इसी तरह से भी कह सकते हैं कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या इसको आप यूं कह लें कि डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने जहन में रखनी है दैट इज कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये याद रखना है कि इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट आपने लिया है उसकी अपनी नेचर के ऊपर, और दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब यहां पर यह होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है, तो इस बात को हमने पहले क्लियर किया हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली होती ही वो प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करे, इस बात पर ना डिपेंड करे कि ये सॉल्यूट है कैसा, इसकी नेचर क्या है। तो इस बात को हमने पहले क्लियर कर लिया है। तो यहां पर भी आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको आप देखें, हमने ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करना है। ये ग्राफ अक्सर लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन हम इसको यहां बड़े आसानी के साथ एक्सप्लेन करेंगे। उसी तरह से देखिए, हम दो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है, और इस पे उसी तरह से ले लिया जाएगा वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, और इस तरफ उसी तरह से टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक हो। इसका मतलब यह है कि जब आप इस वाई एक्सिस में इस तरफ जा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है,
ठीक हो गया। और इस तरफ जब आ रहे हो इस एक्सिस पे, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये एक्सिस आपको टेम्परेचर बता रहा है, ये एक्सिस आपको क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर बता रहा है, ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, ये सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। इस बात को जरा जहन में रखना है, हम कहते हैं कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसको जहन में रखना है, दिस प्योर सॉल्वेंट। हम कहते हैं कि अगर हम इसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर लेके उसका ग्राफ देखें, तो याद रखना है कि जब आप टेम्परेचर में डिक्रीज लाओगे तो एक सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर में एक ड्रास्टिक चेंज आएगी, मतलब बड़ी तेजी के साथ चेंज आएगी, और आपको ग्राफ का स्लोप बहुत ज्यादा ज्यादा मिलेगा। ठीक, देखिए फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि सॉल्वेंट है सॉलिड स्टेट में है, तो उसके वेपर प्रेशर को हम टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट करें। लेट्स सपोज यहाँ टेम्परेचर पे इसका जो वेपर प्रेशर आता है वो यहाँ है, हम ये करते हैं कि इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर ड्रास्टिकली क्या होगा, कम होगा। समझ आई है इस बात को? इसको ध्यान में रखना है कि दिस इज कर्व ए बी, ये कर्व कौन सा आ गया, ए बी, कि जब ये प्योर सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब ये आपको मिल रहा है कि ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। या आप इसको दूसरी तरफ डिफाइन करना चाहिए, दूसरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो यहां यू भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है? ठीक हो गया। अब आगे देखिए, यहां पर एक पॉइंट याद रखना है कि किसी भी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट आप क्या कहते हो, वो टेम्परेचर जिस पर वो क्या हो जाए, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में। तो इसका मतलब है जब एक लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के बराबर हो जाएगा तो वो लिक्विड क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अब इस बात को जरा ध्यान में रखना है, हम इसी सॉल्वेंट की बात करते हैं कि ये सॉल्वेंट हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट में लेते हैं, लिक्विड स्टेट में लेते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक किसी भी टेम्परेचर पर इस लिक्विड स्टेट में प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, लेट्स सपोज वो किधर है, वो यहां पर है, क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर पे, ये कोई टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर हम कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखो हम टेम्परेचर कम करें तो आपको पता है कि टेम्परेचर के कम करने से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। आप टेम्परेचर इधर आ रहे हो, वेपर प्रेशर नीचे आ रहा है, लेकिन लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में सॉलिड की तरह उतनी ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगी। देखो अब एक और बात, ये आके इस सॉलिड के साथ कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। देखो इसका ग्राफ कहां पे आ गया, ये ग्राफ आ गया, ठीक हो गया। इसको आप सी डी कर्व भी कह सकते हैं, सी डी कर्व। ये सी डी कर्व क्या बता रहा है आपको, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब आप इसका टेम्परेचर कम करेंगे, वेपर प्रेशर इसका कम होता जाएगा, और जिस जगह पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा वो इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। इट्स मीन ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर, लेट्स सपोज हम इसे कह देते हैं T1, एंड नाउ दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बात क्लियर होगी, होगी, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर आपने ये बात पढ़ी थी कि अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को देखें, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अगर हम देखें
तो सॉल्वेंट के मुकाबले में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर कम होगा। देखिए अब हम इसी टेम्परेचर पर बात करते हैं कि इसी सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उसका फिर इसके बराबर तो नहीं होना, टेम्परेचर यही है। तो हम कहते हैं सपोज के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट से कम आ जाता है। देखिए ये आ जाएगा सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट के लिए कर्व आ जाएगा। और उसी तरह से अब देखो हम इसका टेम्परेचर कम करते जाए करते जाए करते जाए तो किधर आएगा, ये अब सॉलिड से कहां जाकर मिलेगा, यहां पर आके मिलेगा। ये देखो इसको आप कह दो क्या, आपने सी डी, इसको ई आर एफ कह दे इस कर्व को। तो ये देखो इस टेम्परेचर पे आके मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इस टेम्परेचर पे आके फ्रीज करेगा, इसको आप कह दो टी टू, और दिस टी टू इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखो हमने वहां पर यही बात की थी कि सॉल्वेंट के मुकाबले में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो होगा ना कब, देखो कि जो सॉल्वेंट है वो इस टेम्परेचर पर फ्रीज कर रहा है और जो सॉल्यूशन है वो इस टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा, तो दैट इज बेसिकली डेल टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसको आप फाइंड कैसे करोगे, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमने वहां पे बात की थी कि ये डेल एफ है या जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये किस बात पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो याद रखें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने कौन सी टर्म ली थी, वोलेटिलिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म लेंगे। तो क्या होगा, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक हो गया। अब देखो यहां पर इसको मैं इधर लिख देता हूं, डेल टी एफ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, के एफ एम, और आपने कल पढ़ा था के बी और आज आया है के एफ। दिस इज डोल हैज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको आप उसी तरह से जैसे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को हमने एक्सप्लेन किया था, इसको भी हम उसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कि जब एक सॉल्यूशन आपने कितना बनाया हो, वन मोलर सॉल्यूशन में जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आएगी दैट इज के एफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आर मोलर, जैसे वहां पे बॉइलिंग एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था, यहां पे क्या है, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, क्लियर हो गया। दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम आपने कल भी पढ़ा था, अब यहां पर भी आप पढ़ लेंगे, डेल टी एफ, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू टू 1000 डिवाइडेड बाय एम वन मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू टू। तो ये एक फाइनल एक्सप्रेशन आएगी आपके पास फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे आप सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, दैट्स ओके।